हेलो एवरीवन वेलकम टू आय फेस टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिलेबस फॉर योर टी फॉर जी एस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एग्जामिनेशन फॉर योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट सो लेट्स कंटिन्यू बच्चों और यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताने वाली हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाली हूँ एंड सम बुक्स भी बताने वाली हूँ जहाँ पर आप रेफर कर सकते हो फॉर योर टी फॉर एग्जामिनेशन सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट बच्चों तो यहाँ पर बच्चों आपका जो सिलेबस है फॉर द रिटर्न टेस्ट इन केमिस्ट्री इट इज सिमिलर टू द टिपिकल स्टैंडर्ड सिलेबस विच इज फॉलोड बाय इन एनी यूनिवर्सिटी फॉर द बी एस सी एंड एम एस सी डिग्री कोर्सेज जो आपका ऑफिशियल सिलेबस होता है फॉर योर बी एस सी एंड एम एस सी वही सिलेबस आपको टीफर के लिए प्रिफर करना है देन नेक्स्ट द क्वेश्चन आर एम्ड टू द टेस्टिंग द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओके यहाँ पे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज इन द एरियाज ऑफ फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनालिटिकल इलेक्ट्रो क्वांटम केमिस्ट्री बायोफिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स है आपका लॉजिक एंड स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स है मैथमेटिकल मेथड से आपकी और जो भी कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है जैसे कि एनएमआर है यूवी है आईआर है आपका फ्लोरेसेंस है एंड uh, एक्सरे है ये सारी चीजें आपको यहाँ पर उसका सब इन सब का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये आपका सिलेबस होगा जो भी आप बीएससी और एमएससी में पढ़े हो बच्चों वही आपको टीएफआर एग्जाम के लिए सिलेबस है तो वाइड रेंज ऑफ सिलेबस से बच्चों अच्छे से प्रिपेयर करिए यहाँ पर अब हम लोग थोड़े से जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में आपको एक ब्राइफ आइडिया दे देती हो बच्चों तो फिजिकल की अगर हम बात करें तो फर्स्टली यहाँ पे आता है आपका क्वांटम केमिस्ट्री तो क्वांटम केमिस्ट्री में बच्चों हम क्या क्या देखेंगे आइगन वैल्यू है आपकी ऑपरेटर्स है यहाँ पे साई फंक्शन साई फंक्शन जो है तो साई फंक्शन वर्सेस आर साई स्क्वायर वर्सेस आर आ, और आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है बच्चों और पार्टीशन प्रिंसिपल है यहाँ पर तो इन सारी चीज़ों की स्टडी आप आ, क्वांटम केमिस्ट्री में कर सकते और उसके बाद आपको जो टॉपिक है वो होगा आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी तो बच्चों स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपकी फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इम्पॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक तीनों भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जो है आपके पास यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है फॉर योर टी फॉर एग्जामिनेशन तो फिजिकल में अगर हम बात करें तो रोटेशनल है वाइब्रेशनल है एंड तो योर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो कौन सा मोलिक्यूल रमोन एक्टिव है कौन सा मोलिक्यूल इनएक्टिव है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ डिस्कस करनी होगी और इस हिसाब से आपको स्टडी करना होगा देन आपके पास जो है वो थर्मोडाइनमिक्स है तो थर्मोडाइनिक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए देर इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ योर थर्मो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लॉ एंड थर्मोकेमिस्ट्री है आपके पास तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर डिस्कस करनी है थर्मोडाइनमिक्स में आफ्टर दैट आपका जो टॉपिक होगा वो पॉलीमर केमिस्ट्री होगा आपका केमिकल इक्विलिब्रिया एंड फेज इक्विलिब्रिया होगा तो ये सारी चीज़ें आपको सर सरफेस केमिस्ट्री है लिक्विड सॉलिड स्टेट्स है और स्टेट्स है ये सारे तो ये सारे चैप्टर्स आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कवर करने होंगे तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं और भी आपके एम और बी में जो भी कुछ सिलेबस था वो आप रेफर कर सकते हो आफ्टर दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको आप कैरेथर्स का जो बुक है वो रेफर कर सकते हो यहाँ पर रिएजेंट्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो रिएजेंट्स आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है आप कैरेक्टर्स का बुक यूज कर सकते हो उसके लिए देन इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक आपका आता है वो है नेम रिएक्शन तो नेम रिएक्शन में भी आपके रिएजेंट्स का आपको यूज करना है तो आप पहले रिएजेंट्स जो है और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपकी जैसे कि जीओसी है आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री है ये सारी चीज़ें आपको वहां पर कवर करनी पड़ेगी फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नेम रिएक्शन के बाद अगर हम देखें तो इंटरमीडिएट रिएक्शन आप लोग देख सकते हो जो भी आपके कुछ इंटरमीडिएट्स हैं कार्बिन है नाइट्रंस है बेंजाइंस है और भी आपके जो भी कार्बोकटाइज कार्बो कार्ब, कार्बेनियस जो भी इंटरमीडियट है उस उन सब की रिएक्शन यहाँ पर आपको देखनी है इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में बच्चों आप देख सकते हो कि फोर एन रिएक्शन है फोर एन प्लस टू है एक्जो एंड एंडो आपका जो मेकेनिज्म है वो आपको यहाँ पर स्टडी करना है तो ये सारी चीज़ें आपकी पेरिसाइक्लिक में आ जाएंगी और इम्पॉर्टेंट है पेरिसाइकिलिक में कोप रिएक्शन है कोप कोप्रीअरेंजमेंट है ऐजा कोप्रीअरेंजमेंट है ऑक्सी कोप कोप्रीअरेंजमेंट है ठीक है ये सारी रिएक्शन आपको यहाँ पर स्टडी करनी है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट क्या है तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ सबसे इजी कंसेप्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो कि है बायो केमिस्ट्री तो सॉरी बायो इनऑर्गेनिक तो बायो इनऑर्गेनिक में हम क्या देखेंगे बच्चों हीमोग्लोबिन देखेंगे ठीक है हिमोग्लोबिन के बाद जो भी आपके कुछ स्ट्रेस एलिमेंट्स है जो एनवायरमेंट में पाए जाते हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर आप आयर्न सल्फर प्रोटीन देखोगे मेटेलो एनजाइम्स ये सारी कंसेप्ट आप बायो इनऑर्गेनिक में स्टडी कर सकते हो आफ्टर दैट आपका आता है केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग के बाद और भी आपके पास इनऑर्गेनिक में बहुत सारे क्वेश्चन है टॉपिक्स है जैसे की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप कलर कॉम्प्लेक्स देख सकते हो तो ये सारी जो हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और भी आपके एम और बी का जो भी कुछ सिलेबस है बच्चों वो भी आपको एक बार रेफर करना पड़ेगा तो ये जो था हमारा टीफर एग्जामिनेशन का सिलेबस था और भी आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स हो बच्चों तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो और इस एग्जाम के रिगार्डिंग और भी आपको आ, पूरा सिलेबस या फिर आपको एग्जाम पैटर्न जो है आ, पी वाई क्यूज चाहिए होंगे तो आप हमारे आई एफ एस ऑनलाइन साइट पर विजिट कर कर ये सारी चीजें आपके लिए वहां पर अवेलेबल कर दी गई है सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच